यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूजा हो गई है समाप्त, सभी लोग लास्ट में कलावा बनवा के उसके बाद प्रसाद पंडित जी सबको दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पति देव ने कलावा बनवाया, फिर प्रसाद लिया, सब लोग ने उनको अपनी अपनी विदाई देते गए और पंडित जी बहुत खुश हो के गए थे हमारे यहाँ से। ये देखिए हमारे देवर हैं जो कलावा बनवा रहे हैं। पंडित जी जब जब सब लोग को प्रसाद दे रहे थे तो लास्ट में यही बोल रहे थे, सभी लोग कैमरे की तरफ देखिए, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, फिर कोई नहीं। ये हमारे देखिए नवाब साहब हैं, ये इतना शर्माता है कैमरा से कि देखिए अपना सर नीचे झुकाया हुआ है कि मम्मी मेरी फ़ोटो ना ले लें, बार बार यही चिढ़ा रहे थे। पंडित जी मम्मी की तरफ देखिए तो वो हंस रहा था, देखिए अभी कैसे ही सारा करेगा, आप लोग जरा इसको देखिएगा, देखिए ये बहुत ही नॉटी बॉय है। और ये है हमारे ससुर जी जो हमारे घर के मुखिया और सबसे अच्छे शांत विचार वाले और बहुत ही अच्छे हैं, ये समाज सेवा जो भी आप कह सकते हो बहुत करते हैं, और बहुत ही बेस्ट हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी हैं। देखिए पीली पीली साड़ी पहनी है और मम्मी को भी पंडित जी ने प्रसाद दिया तो यही बोला कि उधर देखिए मम्मी हमारी हमेशा स्माइल करती रहती हैं, बहुत अच्छी हैं। लास्ट में देखिए हम आते हैं, सभी लोग ने सबसे लास्ट में हमने लिया था प्रसाद। और आपको ये बता दें आज मैं इतनी हैप्पी हुई कि मेरा ये वीडियो शूट मेरी मम्मी ने किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पंडित जी को कपड़ा दिया था और पैसा वगैरह दक्षिणा में दिया था उनको। फाइनली देखिए हमारी माता जी की आज विदाई हो गई और पंडित जी ने देवर से बोला अक्षत वगैरह छिड़कने के लिए, क्योंकि उन्होंने कलश वगैरह स्थापना उन्होंने ही किया था, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कलश वगैरह हिला दीजिए आज, नहीं तो नेक्स्ट डे मंगलवार हो जाएगा। तो वही भैया कलश वगैरह हिला रहे थे, फिर तो उसके बाद जौ निकाल के देवी जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग निकालते हैं अपने जहाँ पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ रखने के लिए। फाइनली आज हमारे देवी जी की हो गई विदाई। आपको बता दें ये जो कन्या है हमारी घर के बगल में रहती हैं, ब्राह्मण है तो ये बहुत मानती है मुझे, मामी मामी बोलती है, यहाँ की बेटी है इसलिए मामी सबको बुलाती है। और देखिए फाइनली हमने देने के लिए सब कुछ देवी लोगों को गिफ्ट तैयार कर दिया, यहाँ बच्चे कर रहे थे मस्ती। ये जो आपको येलो टी शर्ट पे लड़का दिखा है मेरे घर के सामने रहता है, बहुत अच्छा, हो जिसका बेस्ट फ्रेंड है, डेली ये खेलने आता है और बहुत अच्छा भी है, मैं डांट भी देती हूँ सब कुछ, फिर भी गुस्सा नहीं होता है। देखिए ये मॉडल मेरी, ये क्या ही बोले, इतनी स्मार्ट टाइप की है, क्या क्या ही बोलती है कि अभी आगे आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा इसकी सारी बातें। मैं वही देखिए हमने आसन वगैरह लगा दिया है माता जी को बैठने के लिए, उधर कटोरी बर्तन सब कुछ रखे हुआ, मैंने खाना में बनाया है आलू चना की सब्जी और ये है चना और ये है हलवा और इसमें मैंने बनाई है पूड़ी। देखिए मेरी ये है साड़ी, आप लोग भी देख सकते हैं, ये है साड़ी और कैसी लग रही है मेरा लुक, ये ऑन कर रहा है, क्या ऑन कर रहा है, ये ऑन। अरे तो उससे कुछ तुम्हें होगा नहीं, मेरा लुक कैसा लगा और मेरी साड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर लोग आई नहीं है, उनका इंतजार हो रहा है, बस आ जाए तो अपना सब कुछ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे ये कन्या लोग बहुत देर से आके बैठी थी और हम तीन लोग का वेट कर रहे थे, काफ़ी लेट हो रहा था, हम लोग को कई लोग बुलाने आ रहे थे तो हमें भी बड़ा बुरा लग रहा था, और वो तीन कन्या जो थी वो लोग भी कहीं खाने गई थी, तो इसलिए हमने सोचा कि अपना काम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, जब वो लोग आएंगे तो साथ में खाना निकालेंगे, क्योंकि ये लोग भी बार बार बोल रही थी कि आंटी लेट हो रहा है हमको कहीं और भी जाना है। आज के दिन इन लोग की बड़ी डिमांड रहती है ना, क्या ही बोला जाए, इन लोग को तो हर जगह जगह जैसे लगता है। कुछ इसमें सब मजाक भी हो रहा था, कुछ मजाक कर रही थी कि आज तो मम्मी मैं इतना पैसा पाई, आज मैं इतना और पाऊंगी, बड़ा अच्छा लगता है ये दिन हम भी अपने याद करते, हम लोग भी ऐसे छोटे थे तो हर चीज़ पैसा वैसा बड़ा काउंट करते, कितना रुपये कहाँ से मिला, क्या क्या मिला, बड़ा अच्छा लगता था। तो ये लोग भी वही है, यहाँ मेरा बच्चा देखिए, हम कहा जाता है कि लंगूर मेरे घर में था और वो नहीं बनने के लिए तैयार था, वो बोला कि नहीं मैं गर्ल्स के बीच में नहीं बैठूँगा। और आपको बताइए ये सबसे प्यारा और सबसे छोटा बच्चा था, एज में भी सबसे छोटा था, वो ये बहुत बोलता है, बट आज उसको गर्ल्स के बीच में बैठाने के बाद वो एकदम ही नहीं बोल रहा था, नहीं तो बहुत एक्टिव और सुपर फास्ट बच्चा है, फिर भी कोई नहीं बच्चा है, थोड़ा शर्मा रहा था कितनी लड़कियाँ हैं तो बीच में मैं क्या बोलूँ, मैं जितना जितना बोल रही थी वो उतना उतना ही कर रहा था, क्योंकि एक्चुअली है क्या वो है बहुत अच्छा, ओजस का क्लोजली फ्रेंड है, बट बच्चे होते हैं ना जहाँ लड़कियाँ रहती है तो वहाँ थोड़ा सा शर्माने लगते हैं, तो उसी तरह वो भी शर्मा रहा था। और सोची मेरा बेटा रहते हुए वो बोला मैं नहीं बनूँगा, मुझे नहीं बैठना गर्ल्स के बीच में, तो इसी वजह से मैंने इसको बुलाया। और ये ओजस का बेस्ट फ्रेंड है, घर के जस्ट सामने रहता है, खेलता है साथ में,
तो अच्छा लगता है कोई नहीं। फिर हमने इन लोग को टीका वगैरह किया, सबसे पहले हमने इन लोग का पैर धुलाया, आप लोगों ने देखा होगा। फिर उसके बाद हमने कलर किया पैर में, फिर टीका लगाया, फिर उसके बाद इन लोग को अक्षत लगाया। मैंने सब साथ साथ में ही मैं कर रही थी, एक एक बार एक एक चीज़ सबके साथ साथ कर रही थी। फिर अक्षत वगैरह लगाने के बाद फिर ये लोग बैठ के थोड़ी देर मस्ती हो रही, थोड़ा वेट भी हो रहा था। मम्मी गाना गा रही थी कन्या लोग के लिए, नौमी का गाना गा रही थी, तो वह काफ़ी देर तक वेट हो रहा था कि सब आ जाए, तभी हम लोग साथ में स्टार्ट करते। देखिए ये लोग बीच में आधे पूजा करने के बाद भागने लगी थी, खेलने लगी थी, तो वही हम बार बार बोले कि अरे आके बैठ जाओ। तो मम्मी ने चिढ़ाने के लिए बोला अरे भगवती माई आके बैठ जा, तो बड़ी हंसी आई उस टाइम, हम लोग बहुत हंसे, सब के सब हंसने लगे थे। देखिए यहाँ पे सब एंजॉय कर रही हैं, सब वेट हो रहा है कि जल्दी, वो बार बार जो पर्स ली है वो बोली मामी जल्दी करो ना, मुझे दूसरे घर जाना है, मामी जल्दी करो ना। मैं बोली बेटा मुझे भी है पता कि लेट हो रहा है, बट क्या करें, सबको आ जाने दो। तो साथ में स्टार्ट करते हैं कि बहुत देर तक हमने वेट किया, उन लोग के आने में काफ़ी टाइम लग रहा था। उन लोग की भी गलती नहीं है, बच्चे हर जगह आते जाते हैं, आज के दिन क्या अष्टमी नौमी तक सब लोग बुलाते हैं, तो भाई बच्चों की गलती नहीं है। जहाँ जहाँ बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ वहाँ तो जाना ही पड़ेगा उन्हें। फिर देखिए वो जस्ट दौड़ के जाते हैं कि लगता है वो लोग आ गए, बट वो लोग नहीं आई थी, वो बुलाने आई थी भाभी बगल वाली की, हो गया हो तो भेज दीजिए, बगल में वो लोग बुला रही, बट हुआ नहीं था। तो ये मैं बोली आप भी ऊपर चले आओ खाना खा लो, वही मैं चढ़ा रही थी, वो बोली नहीं मैं खा ली हूँ, आप कर लो आराम से। फिर उसके बाद मैंने दीपक वगैरह जलाया और इन लोग की आरती, क्योंकि कहा जाता है ना पहले आरती उरती करके फिर उसके बाद ही खाना वाना खिलाना चाहिए, तो मैंने सबकी आरती की अच्छे से, फूल वगैरह सबको छिड़का। अच्छा लगता है यार, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये किया था, कन्या पूजन मैं कभी नहीं करती थी, बट इस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने किया था और मुझे अच्छा लगा। कोशिश करेंगे भगवान से, हम यही प्रे करेंगे कि मेरा नेक्स्ट ईयर हम लोग के घर में काफ़ी अच्छा और सब कुछ अच्छा अच्छा रहा, और कुछ हम लोग के यहाँ कुछ तब्दी आई, तो हम लोग नवरात्र बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से करेंगे। भगवान जब वो खुशियाँ दे देते, हम लोग उसी खुशी की ज़रूरत है, बस वही खुशी मिल जाए, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम नवरात्र बहुत अच्छे से ही करेंगे। और यहाँ मैं प्लेट लगाने लगी क्योंकि इन सबको हो रहा था लेट, मुझे भी बुरा लग रहा था कि बुला के बैठा लो, फिर अपनी तो तैयारी थी पर लड़कियाँ नहीं थी, इसीलिए फिर मैंने प्लेट वगैरह लगा दी। मैं मम्मी बोली कि चलो जो जो है पहले खिलाओ, तब तक शायद हो सके बीच में सब आ जाएंगी। तो मैंने अपने आँचल से सबके प्लेट पोंछे, क्योंकि मैंने धूल वगैरह के रखा था, फिर भी मैं अपने आँचल से पोंछ के प्लेट वगैरह रखी। फिर ओजस का मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो ओजस बार बार भाग रहे थे कर रहे थे, तो मैं बोली कि या तो तुम आओ नहीं बेटा, या तो फिर बीच में लाओ। फिर वो गया देखने, हमें लगता है वो लोग आ गई थी, तो इसलिए वो देखने गया जब तक मैं खाना निकाल ही रही थी। तो वो तीनों लड़कियाँ आ गई थी। इधर ये देखिए छोटा बच्चा बोला आंटी मुझे खाना ना दो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं बोली बेटा खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं मैं खिला दूंगी। तो बोला मैं खाता ही नहीं हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसकी गलती नहीं है, बच्चा है अभी, वो अभी सोचे उसका मुंडन भी नहीं हुआ है। बट होता है ना कि बच्चे लड़कियों के बीच में थोड़ा सा दब जाते हैं। और इधर देखिए ये तीनों कन्या हमारी आ गई, ये लोग भी कहीं खाने गई थी। आपको बताएं इसमें दोनों जो पीछे हैं दोनों ट्विंस हैं, और दोनों देखिए सेम ड्रेस जैसा पहनी है, सॉरी पीछे में जो दोनों आगे आई थी वो दोनों ट्विंस थी। हाँ मैंने सबको खाना निकाल दिया, पूड़ी सब्जी हलवा, और मम्मी उधर उन तीनों लोग का पैर वगैरह धुलने की बोली कि तुम इन लोग को खिलाओ। फिर इधर मैं पैर वगैरह सबका धुल देती हूँ। देखिए ये खाना नहीं खा रहा था, तो इसको मैंने अपने हाथों से खिलाया, क्योंकि ये ब्राह्मण है ना, बोला जाता है ब्राह्मण खाली ऐसे बिना खाए नहीं जाना चाहिए। बच्चा था नहीं समझ पा रहा था, फिर जब मैं एक दो बार खिला दी तो ये खाने लगा। फिर इधर मम्मी सबका उधर पैर वगैरह कलर कर रही थी, फिर मैंने सबको उठने नहीं दिया, मैं बोली सब लोग साथ में खाना खा के साथ में ही उठना। फिर मम्मी ने दिया दीपक, सब कुछ इन लोग का इधर करी थी, ये सब खा रही थी, अब वो बच्चा नहीं खा पा रहा था। मैं बोली कोई बात नहीं तुमने मुँह जूठा कर लिया है, फिर हम इन लोग का लगाते हैं खाना। आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, और क्या बोलें यार, ये ब्लॉग तो सबको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये देवी जी का ब्लॉग है और सबके घर में होता है, जो 9 दिन का फास्ट रहता है, और जो नहीं भी रहता सभी लोग कन्या भोजन वगैरह कराते हैं। फिर हमने सबको खाना वगैरह दे दिया, सब खाना खा रही थी। लास्ट में मैंने सबका वीडियो वगैरह ले लिया कि भाई हमारे यहाँ सब देवी लोग आ गए हैं, देखिए यहाँ सब मस्ती, ये दोनों बहुत मस्ती कर रही थी, क्या ही बोले बच्चे ही हैं, कोई बड़े तो है नहीं। यहाँ मम्मी गाना वगैरह सबको साथ साथ हम लोग गा रहे थे। फिर हमने इन लोग को दिया लास्ट में विदाई, और विदाई में क्या था, फल था, के मिठाई था, और पैसे थे, चॉकलेट, पेंसिल, रबर, कटर, इरेजर जो होते हैं सब कुछ मैंने इन लोग को दिया। फिर देने के बाद इन लोग का पैर छुई, और आपको बता दें कि इन लोग को मैंने लास्ट में अक्षत भी दिया था। कि आई होप आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा,
और मुझे ऐसे सपोर्ट और प्यार देते रहिए, बस सपोर्ट और प्यार की ही ज़रूरत है मुझे। और मुझे आपको इस ब्लॉग में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरी साड़ी कैसी लगी ये तो ज़रूर ही बताइएगा हम लोग को। और अगर पूजा में कोई कमी आप लोग को मेरे दिखी होगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं उस चीज़ में सुधार लाऊँगी। देखिए मैंने सबको लाइन से देते गई और सबका पैर छूते गई, लास्ट में जब सबको दे लिया मैंने तो इन लोगों को अच्छे दिया हाथ में। आप लोग देखेंगे कि मैंने अच्छे से, इसलिए सब लोग बोलते हैं पंडित जी बता के गए थे कि इन लोग से पहले जयकारा लगवाइएगा, तो पहले मैंने इन लोग को अच्छा दे दिया। हम कह अच्छा दे देंगे तो थोड़ी देर से बैठेंगे, नहीं सब जयकारा दे देंगे तो ये सब भागने लगती हैं, और बच्चे हैं यार एक जगह स्थिर रहते ही नहीं है सच में। तो फिर मैंने सबको अच्छे दिया और समझाया, फिर मम्मी यहाँ पर मजाक कर रही थी कुछ। और आपको बताएं इसमें जो लड़की ने पर्स दिया था उसने मुझे आशीर्वाद में क्या दिया था, बोला कि भगवान करे आप सदा सुहागन बनी रहे, आपके घर में तरक्की हो, आपके पति और बच्चे अच्छे रहे। इतनी हंसी हम लोग को आई कि क्या ही बोले। देखिए हमारे घर कन्या जा रही हैं, जयकारा वगैरह लगा दी हैं, सब लोग अच्छे अच्छे दिखते हुए सब लोग लाइन से निकलिए। छोटा बच्चा था इसलिए इसको जश ने बांध भी पहुँचाया। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमारे सारी देवी जी जैसे हमने सजाया था वैसे सब लोग सजे बजे अपने घर जा रही है। बाय बाय एंड टेक केयर।